अब गुरु चाय से गरम केतली है, यह बात बिल्कुल सटीक है। अब कुछ ड्राइवर जैसे अधिकारी के ड्राइवर और मंत्री जी के ड्राइवर ऐसी हवा में रहते हैं कि हम बता नहीं सकते। अधिकारी तो जलवा बिखेर नहीं पाता, लेकिन उनके ड्राइवर साहब हवा में ऐसी बातें करते हैं। और कुछ ड्राइवर तो रंगदारी और रौब झाड़ते हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र के खटरापुर से सामने आया है, जहां सागर के सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने तो हद कर दी। इसके साथियों ने एक गरीब शख्स की पिटाई की और फिर उसकी उल्टी शिकायत बहेरिया थाने में कर दी। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 बामौरा सागर मध्य प्रदेश। क्या है पूरा मामला हम आपको बताए देते। बात कर्रापुर की बीते दिनों की है, जहां पीड़ित राहुल राजपूत पोस्ट ऑफिस का काम करता है और कलेक्शन करता है। हमेशा की तरह वह कलेक्शन का काम कर रहा था। इसी दौरान पठार मोहल्ला में दीपक मिश्रा, जो वन आरक्षक है, उसके भतीजे आयुष मिश्रा, आकाश मिश्रा और विधुर मिश्रा ने उसकी बाइक रोकी और वन आरक्षक दीपक मिश्रा ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली और उसके साथ बिना कुछ बात किए मारपीट शुरू कर दी, जिससे राहुल राजपूत के शरीर में कई चोटें आई हैं और उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब के ड्राइवर विनय अग्निहोत्री ने पीड़ित को धमकाया, कहीं शिकायत की तो ठीक नहीं होगा, मुझे पूरा शहर जानता है, मैं सिटी मजिस्ट्रेट का ड्राइवर, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद इन्होंने पीड़ित की उल्टी शिकायत बहेरिया थाने में कर दी। अब विनय जी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के ड्राइवर हैं, कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है। पीड़ित ने कर्रापुर चौकी में शिकायत दर्ज की है, जिसकी जांच चल रही है। भैया, हम राहुल राजपूत हैं, कर्रापुर के निवासी हैं, पोस्ट ऑफिस का RD का काम करते हैं, एजेंट है उसके। कल हम कलेक्शन के समय पठार मोहल्ला जो कि कर्रापुर में है, वहाँ से नीचे उतर रहे थे। उतरते से वहाँ दीपक मिश्रा और उसके दो भतीजे वहाँ हमें दिखाई दिए। हमने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। दीपक मिश्रा, आकाश मिश्रा, आरुष मिश्रा और विदुर मिश्रा और दो जो गाड़ी लेके मजिस्ट्रेट की और पूरे में घूमते रहते हैं, धमकाते हैं विपिन अग्निहोत्री। जैसे ही हम निकल रहे थे वहाँ दूल्हा देव की मड़िया के यहाँ से, हम गए नहीं वहाँ, दूल्हा देव के यहाँ से निकल रहे थे, तो हमें इन लोगों ने गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करके और इन्होंने हमें वहाँ पर काफ़ी पीटा। पूरा यहाँ पीठ में से ये हाथ तोड़ दिया। अभी हम उसका पूरा वो करवा के आए हैं। और शिकायत भी आप ही की दर्ज कर दी? हाँ, और उल्ट के शिकायत भी हमारी कर दी। कह रहे थे कि हमारी जो दीदी हैं वो SI हैं, हम खुद हैं वो वन विभाग में हैं, तो सब कुछ हमारा ही हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं। अच्छा, बोले तुम तो किसान आदमी हो। संरक्षण किसका है, किसकी दम पे? वो उनकी दीदी SI है, सिटी मजिस्ट्रेट की, वो गाड़ी चलाता है। उनकी निजी गाड़ी से घूमता है क्षेत्र? उनकी निजी गाड़ी से घूमता है, अभी दो दिन से घूम रहा है वो। हम पूरे और हमसे बोल के गया था कि आप यदि बाई चांस तुम वापस नहीं लोगे, ये केस यदि तुम करोगे तो जान से मारेंगे तुम्हारे लिए। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम आप सबसे निवेदन है कि हमारी मदद करें आप सब लोग। क्या नाम लिखते? राहुल राजपूत लिखते। क्या, मेरा नाम किशन सोनी है, ये राहुल भैया हैं, मेरे भैया हैं, ये विनय अग्निहोत्री हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी चलाते हैं। ये जब चाहे आ जाते हैं उनकी गाड़ी लेके, और कल रात में भी वारदात हुई, जो उसमें उन्होंने धमकी दी है भैया को आके कि अगर ये आप लोग रिपोर्ट वोट करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बार उन पर स्वयं पे भी केस चल रहे हैं बहुत सारे, जब चाहे कर्रापुर थाने में उनके नाम की रिपोर्ट भी हैं कई। हमारे पहले परिवार में भी लड़ाइयाँ हुई उनसे। कौन है आपराधिक प्रवृत्ति का? आपराधिक प्रवृत्ति है ये पूरा। संरक्षण किसका है? सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी के लेके घूमता है, ड्राइवर है उनका। अच्छा, उन्हीं की निजी गाड़ी से घूमता है, रंगदारी करता है। हाँ, आज अभी यहाँ पे मेडिकल में भी घूम रहा था, प्रति वही गाड़ी के लेके आता है और डॉक्टर को भी बोला, उनको फोन लगवाया सिटी मजिस्ट्रेट से, अगर जो हम बोलेंगे वो नहीं ले पोगे तो तुम्हारी लिए अच्छा। भैया के साथ क्या घटना हुई कल? भैया के साथ कलेक्शन करके लौट रहे थे भैया ये, तो वहाँ से इनने बोला कि मतलब इसी तरह ने करा भैया से कि उनने रोका, इनका पैसा वैसा छुड़ाया जो कुछ भी, बाद में थोड़ा लेट पहुँच पाए, मारपीट भी हुई, मारपीट हुई इन दोनों में। फिर उनके छोटे भाई पहुँचे, तो कोई भी बड़ा भाई को अगर पिटते देखेगा नहीं। और शिकायत भी नहीं की दर्ज करी? शिकायत करी उनने उल्टा इनको मारा, और उनने बोला कि हमारा मार हमें मारा है इनने। क्या चाहते हो आप? आप, हम ये चाहते हैं हमारे भैया को न्याय मिले, आप लोग निष्पक्ष हैं जो उनको किसी के संरक्षण में ना हो। ठीक।
अब सिटी मजिस्ट्रेट के ड्राइवर पर पीड़ित ने आरोप लगाया है कि यह गाड़ी लेकर, वो भी सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी लेकर कर्रापुर में घूमता है। अधिकारियों को इसका पता हो या न हो, लेकिन वो सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी लेकर कर्रापुर में कई चक्कर लगाता है और लोगों पर रौब झाड़ता है। इस पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। बहरहाल जो भी हो, इन आरोपों में कितनी सच्चाई, इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन अगर आरोप सच है तो सिटी मजिस्ट्रेट अपने ड्राइवर पर क्या कार्रवाई करेंगे, साथ ही वन विभाग के आला अधिकारी अपने वनारक्षक पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो वक्त प्रश्न पता चलेगा। साथ इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।